अगर हमने अपनी अल्लाह ताला की दी हुई नियमतों का सही इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अता करदा इनामात का सही ढंग से हमने इस्तेमाल किया है, तो कल कयामत के दिन अल्लाह के रूबरू हम अपने इन इनामात का जवाब दे देंगे, वरना अल्लाह के यहाँ हमारा मामला फंस जाएगा। कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन तमाम दिए हुए नियमतों के बारे में याद दहानी कराई है कि तुम ये मत समझो कि हमने जो नियमतें अल्लाह की तरफ से मिली हैं इनके बारे में हमसे कोई हिसाब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जरूर भी जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा उन नियमतों के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें दिया है। ये जिस्म की ताकत, ये जवानी जैसी अजीम नेमत, ये उम्र की फरावानी और ये मौल दौलत की बहुतात और जमीन आसमान के ऊपर हमारा चलना और फिरना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नियमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर एक से उसके इस्तेदाद और सलाहियत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे सवाल करेगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि कल कयामत के दिन हर एक बंदे से अल्लाह ताला के तमाम मखलूकात से, अल्लाह ताला अपने तमाम के तमाम बंदों से पांच सवाल करेंगे, और जब तक इन पांच सवाल के जवाब नहीं दे लेंगे अल्लाह के रूबरू से नहीं हटेंगे, अल्लाह के सामने से वो नहीं हटेंगे जब तक इन पांच सवाल के जवाब नहीं दे लेंगे। ये हमारी जवानी जैसी अजीम नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, क्या यूं ही बेकार हमें दिया है? कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस जवानी जैसी अजीम नेमत के बारे में सवाल करेगा कि हमने तुम्हें जवानी जैसी नेमत दी थी, तुमने इसको कहां खर्च किया? ये हमारी जो उम्रें हैं 20 साल, 40 साल, 50 और 60 साल की जिंदगी, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यूं ही बेकार दिया है? क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन उम्रों के बारे में नहीं पूछेगा? हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारी इस जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि हमने तुमको 60 साल 70 साल जिंदगी अदा की है, तुमने 60 साल 70 साल जिंदगी को कहां गवाया? ये जो हमारे पास अल्लाह का अदा किया हुआ माल, अल्लाह की दी हुई दौलत है, क्या इसके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल कयामत के दिन अल्लाह के रूबरू हमसे सवाल होगा कि हमने तुमको माल जैसी अजीम नियमत दी थी, तुमने इसको कहां से कमाया और कहां खर्च किया? इसके बारे में बाज़ाब्ता हमसे हिसाब होगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे अंदर जिस्मानी ताकत है, जिस्मानी कुव्वत है, इन ताकतों इन कुव्वतों के बारे में कल कयामत के दिन हमसे सवाल होगा। अगर हमने उसका सही जवाब दे लिया तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, वरना हमारा मामला फंस जाएगा। हम मुसलमानों का अकीदा है कि ये दुनिया आरजी है, दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, हमारा असल ठिकाना आखिरत। दुनिया तो हर एक की गुजर रही है, हम हर एक की गुजर जाएगी, जो भी आया है वो जाके रहेगा, कोई न दुनिया में हमेशा रहा है न रहेगा, बल्कि दुनिया में आया ही इसीलिए कि हमको यहाँ से जाना है। असल ठिकाना हमारा आखिरत है, वहाँ अल्लाह ताला की बनाई हुई अजीम नेमत जन्नत जैसी हसीन खूबसूरत घर हमें वहाँ मैसर आएगा, मिलेगा, हमें वहाँ रहने का ठिकाना और हमेशा हमेशा का ठिकाना वहाँ मिलेगा। दुनिया आज ये क्याम गाह है,
इस आजी कयामगाह में हमें कैसे रहना है इसको सोचना है, इसके एतबार से हमें आखिरत की जिंदगी को संवारने की फिक्र करनी है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जो हमारे यहाँ और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों पर अगर गौर करेंगे तो आपको ये बात रोज रोशन की तरह आया नजर आएगी कि मुसलमानों ने के अंदर जो परेशानियां आ रही हैं ये इनके अमाल और इनके अपने करतूत की बुनियाद पर। आज मुसलमान वोटर लिस्ट के एतबार से तो मुसलमान शुमार हो रहा है, लेकिन हकीकी एतबार से अगर देखा जाए तो हमारा ईमान तौहीद पर नहीं है, हमारा ईमान रिसालत पर नहीं है, हमारे यकीन आखिरत पर नहीं है, हमारा यकीन मरने के बाद वाली जिंदगी पर नहीं है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी अकायद को दुरुस्त करें, अपने एक खुदा से मांगने की आदत बनाए, अपने एक खुदा के सामने झुकने की आदत बनाए, अपने नबी आखिर समा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को अपने अपनाने का के सोचे और नबी आखिर समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर लाए उतारे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वसलाम की उम्मत की औलाद हैं। नबी आखिर जमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु कजसदिल वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह, मुसलमान एक जिस्म की तरह है कि जिस्म के किसी भी आज़ा को चोट लगती है तो उसका पूरा जिस्म पूरा घर परेशान होता है। शेख सादी अलैह रहमा ने इसी बात को अशार के अंदर बयान किया कि बनी आदम आज़ा एक दीगरंद, बनी आदम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इसका कनेक्शन मिला हुआ है, एक दूसरे से इनका ताल्लुक है, रक्त है। यूं तो अल्लाह चाहता तो तमाम के तमाम इंसानों को एक बारगी इस दुनिया के अंदर पैदा कर देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा नहीं किया। सैयदना आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा अलैहि सलाम को पैदा फरमाया और इनके जरिए से नस्ल इंसानी को आबाद किया। क्यों? इसलिए ताकि एक दूसरे को पहचान सको। अगर एक बारगी उतार दिया जाता तो कौन किसको बाप कहता, कौन किसको बेटा समझता, कौन किसको माँ और कौन किसको बेटी कहती। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नस्ल इंसानी को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से के जरिए से इस दुनिया के अंदर फैलाया ताकि एक दूसरे को पहचान सके। तो आदम की औलाद एक दूसरे के आजा है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई किसी का बाप है तो कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है और कोई माँ है, कोई बेटी है। ये रिश्ते आपस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मजबूत कर दिए हैं कि इसी रिश्ते के जरिए से एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत दिलों में बैठती है और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो आदम की औलाद एक दूसरे के आज़ा हैं। क्यों? इसलिए कि इसकी पैदाइश एक ही जौहर यानी सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वसलाम से है। आगे शेख सादी अलैहि रहमा ने फरमाया, जो उज़्वे बदरत आवरत रोजगार, जब किसी भी उज्व को दर्द होता है, तकलीफ होती है, जिसमें के आजा में से किसी भी उज्व को तकलीफ होती है तो दूसरा आजा बेकरार हो जाता है, परेशान हो जाता है, चीखने और पुकारने लगता है।
हमारे जिस्म का एक हिस्सा अगर हाथ हमारा टूट जाए तो आंख परेशान होती है, आंख रोती धोती है, जुबान चीखती है, चिल्लाती है, जिस्म के दीगर आजा तड़पने लगता है, उनको हालांकि तकलीफ हाथ को है, चोट हाथ को लगी है, टूटा हाथ है, लेकिन जिस्म का दीगर आजा परेशान होता है। आखिर उसकी वजह क्या है? उनको अपने आजा से मोहब्बत है, उनको अपने ताल्लुक वाले से मोहब्बत है, उनको अपने दिगर उज्व से ताल्लुक और कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ है, इसलिए बेचैन हो जाता है। जो उज्व बदरत आवरत रोजगार दिगर उजहारा नमानत करार दूसरे उज्वों को करार और इत्मीनान नहीं होता। शेख सादी अली रहमान ने आगे फरमाया, मेहनते दीगरा बेगनी नशायत के नामत निहंदा आदमी, तू कैसा इंसान है, तू कैसा आदम की औलाद है, अपने आप को आदम की औलाद कहते हो, तुम कैसे इंसान हो, दूसरे की परेशानी से तुम्हें कोई फिक्र नहीं, दूसरे की परेशानी से तुम्हें कोई गम नहीं, दूसरे की मुसीबत से तुम्हारे चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे इंसानी भाइयों पर गोले और बम बरसाए जा रहे हैं, उन्हें तोपों से दागा जा रहा है, उन्हें मिसाइलों से भूना जा रहा है, उनके घरों को वीरान किया जा रहा है, उनके मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहा है, उनकी औरतों को मारा जा रहा है, उनके मर्दों को मारा जा रहा है, कत्ल आम हो रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं, तुम कैसे इंसान हो, बैठे बैठे सिर्फ मोबाइलों में मस्त रहते हो, सिर्फ मोबाइलों से अपने आप को लगाए हुए हो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मौके के लिए फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तती फबिलिसानी वमन लम यस्तती फबिकल्बी कज़ालिका अज़ाबुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी नाजायज काम को, किसी बुरे काम को होते हुए देखो और तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्तेदात है, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिस्मानी और रूहानी और दुनियावी ताकतों से अल्लाह ने नवाजा है, तो तुम उस ताकत के जरिए से उस बुराई को, उस होने वाले खून रेजी को तुम रोक दो। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमसे ये ना हो सके, अगर तुम ये ना कर सको, तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, तो दूसरा नुस्खा तुम्हारे लिए है, फबी लिसानी अपनी जुबान से कहो, ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ये जुल्म ज्यादती है, ये इंसानी जानों को कत्ल करना है, हलाक करना है, बर्बाद करना है। आखिरी नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये भी ना हो सके, तुम इस लायक भी नहीं हो कि जुबान से कह सको, या तुम्हारी जुबान के अंदर ऐसी ताकत नहीं है कि अपनी जुबान को इस्तेमाल कर सको, फबी कल्बी कहा, कम से कम दिल से तो इसको बुरा जानो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वदालिका अज़ाबुल ईमान, ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है, अगर ये भी हमारे दिलों के अंदर ना आए तो हम कहां पहुंच जाएंगे आप सोच सकते हैं। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसी हदीस के को बयान करते हुए हजरत शेख अल्लामा इकराम अली साहब नवरुल्लाह मक़दहू ने फरमाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तीन बातें इरशाद फरमाई हैं और ये तीन अलग अलग तबके के लोगों के लिए। सबसे पहला हुक्म, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म होते हुए देख लो, बुराई होते हुए देख लो, तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो अपने हाथ से रोको।
फरमाया ये हुक्म है बादशाह वक्त के लिए, ये हुक्म है ओहदेदारों के लिए, ये हुक्म है उन लोगों के लिए जिनको जिनके पास फौजी ताकत है, जिनके पास असलहाजात है, जिनके पास एटमी हथियार है, जिनके पास मिसाइलें हैं। वो अगर चाहते हैं कि इन होने वाले जुल्म को, मजलूम पर होने वाले बमबारी को अगर रोकना चाहते हैं तो अपनी हुकूमत के जरिए से, अपनी ताकत के बलबूते पर उसे रोक सकता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बादशाहों को चाहिए कि अपने ताकत के बलबूते पर उसको रोक दे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप देख रहे हैं कि तकरीबन 57 ममालिक, 58 ममालिक हैं जो इस पर मुसलमान हुकूमत कायम है, लेकिन इतने जुल्म ज्यादती होने के बावजूद सब खामोशी तमाशाई बने बैठे हैं और सब अपनी जुबानों को बंद किए हुए अपनी तमाम तर ताकतों को अपने अंदर समेटे हुआ है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दूसरा नुस्खा बतलाया है कि अगर ये ताकत तुम इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो, या तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है, या तुम अपने आप को बिल्कुल निहत्ते समझ रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर ऐसी सलाहियत नहीं है कि तुम हाथ से रोक सको, तो दूसरा नुस्खा तुम्हारे लिए है वो हाथ से जुबान से रोकने की। हजरत शेख फरमाते हैं ये दूसरा नुस्खा है उलमाए किराम के लिए, ये दूसरा नुस्खा है उलमाए किराम के लिए जिसको अल्लाह ताला ने जुबानी कुव्वत दी है, जुबानी सलाहियत दी है। उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी बुराइयों को, ऐसे होने वाले मजालिम को जुबान के जरिए से लोगों को बाखबर करे, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये इंसान खुशी है, इंसानों को कत्लेआम किया जा रहा है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये तीसरा नुस्खा हजरत शेख ने फरमाया ये आम मुसलमानों के लिए है, आम मुसलमानों के लिए है। आम मुसलमान अपने घरों में बैठे हुए राहत और आराम की नींदें जो ले रहे हैं, कम अज कम ये तो दिल से बुरा जाने ये जो हो रहा है, ये जुल्म ज्यादती है, ये सरासर जुल्म है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे माहौल में हम और आप कहाँ बैठे हैं, हम और आप किस दुनिया में खो रहे हैं। हमारा मुसलमान भाई परेशान है, हमारे वो बच्चे, मासूम बच्चे जो कत्ल के, जो मौत के आगोश में सो चुका है, हमारी माँ और बहनें परेशान हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बड़े शहीद हो रहे हैं। शहादत ऐसी अजीम नेमत से वो सरफराज हो रहा है, हमारी इंसानियत कहाँ गई, हमारी गैरत कहाँ गई, हम तमाशाई बने बैठे हैं। कम अज कम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हमारे अंदर ये सलाहियत रखी है, तो कम अज कम इन मजलूम मुसलमानों के लिए, इन शहदाए फलस्तीनियों के लिए हम अपने घर में बैठे हुए दुआ तो कर सकते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगकर उनके हक में दो आंसू तो बहा सकते हैं। उन मजलूमों के लिए हम अपने रब के सामने, हम अपने खुदा के सामने रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, उनके लिए मदद मांग सकते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई चीज बाइद नहीं है। तारीख हमारे सामने है कि अल्लाह जब किसी की मदद करने पर आता है, अल्लाह ताला जब किसी को सरबुलंदी अदा करना चाहता है, तो फिर अबाबील परिंदे से भी काम ले लेता है। अल्लाह ताला जब किसी चीज की हिफाजत करने पर आता है, तो चिड़ियों से भी काम ले लेता है। अल्लाह ताला जब किसी चीज को, किसी को नवाजने पर आता है, तो
मुन्ना फाड़ के देता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ये नियमतें दी हैं, हमें इन नियमतों की कदर जरूरी है। ये सलाहियतें, ये इस्तेदाद, ये अभी जो हमारे अंदर जिस्मानी कुव्वत है, ये जिस्मानी कुव्वत हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमको एक मामूली सी चीज से पैदा फरमाया और फिर तुम्हारे जिस्मों के अंदर हमने ताकत दी। तुम्हारा जिस्म इस काबिल नहीं था कि तुम अपने हाथ से कुछ खा सको, तुम्हारा जिस्म इस काबिल नहीं था कि तुम अपनी ताकत से चल सको, तुम्हारे जिस्म के अंदर वो कुव्वत नहीं थी कि दो कदम भी चल सको। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हमने तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये ताकतें दी। और याद रखो, कुरान ने कहा ये ताकत तुम्हारी हमेशा नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। और हम तो इन आंखों से देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारा जिस्म सही सालम था और थोड़ी ही देर के बाद हमारे जिस्म का कोई आधा टूट जाता है, हम चलने के काबिल नहीं रहे। हम कोई कोई किसी चीज को पकड़ने के काबिल नहीं रहते, हम अपनी ताकत से अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इनामात से हमें नवाजा है, हमें अपनी मिली हुई इनामात की कदर करने की जरूरत है। आज हमारा जिस्म सही सालिम है, कल हमारा जिस्म ज़ईफ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हम किसी काबिल में नहीं रहेंगे। आज क्या हो गया हमारे मुसलमान भाइयों को, आखिर हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? आज मस्जिदें हमारी सुनी की सुनी हो रही है। कल याद है आप हजरात को कि इसी लॉकडाउन के जमाने में हम और आप मस्जिद के गेट पकड़ करके तोड़ने को तैयार थे और मस्जिद के जिम्मेदारों को तरह तरह से कोसने को तैयार थे। कैसा बुजदिल आदमी है, कैसा है कि नमाज से हमें रोक रहा है। आज आप सही दिल से बताइए, आज आपको कौन रोक रहा है? कल मस्जिदें बंद थी तो हमें फिक्र थी कि हमें मस्जिद से रोका जा रहा है, हमें नमाज से रोका जा रहा है, हमें अपने इबादत खाने में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। आज आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन हाल वही है, जब मुसीबतें हमारे सर पे आती हैं तब फिर सारी चीजें दिखने लगती हैं। ठीक यही बनी इसराइल का भी हाल था। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो सलाम को इन बनी इसराइल ने बहुत ज्यादा परेशान किया, बहुत ज्यादा परेशान किया। जब उन परेशानियों से ज्यादा ही जुल्म ज्यादती होने लगी तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब मुसल्लत किया, तरह तरह के अजाब। अजाब को देखता तो कहने लगता है, ए मूसा दुआ कर दीजिए, अब हम तौबा कर लेते हैं, अब हम आपकी अपने खुदा की इबादत करेंगे। और फिर जो ही वो सजा वो अजाब हट जाता, फिर बेफिक्र हो जाते। आज हमारा भी वही हाल है, जब कोई मुसीबत आती है तो हम मस्जिद के दरवाजे को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब मुसीबत हट जाती है तो सारी चीजों को भूल जाते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियमत है। अगर हम अल्लाह ताला की नियमतों की नाकदरी करेंगे, कुरान कहता है लैन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलैन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नियमतों का शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। वलैन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाकदरी करोगे तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कब कैसी लाठी अल्लाह की चलेगी और फिर कैसी मार हमें पड़ेगी तो कह नहीं सकते हैं। उस वक्त का कहना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उन शहदाए फलस्तीन को
अजर अजीम अता फरमाए, उनकी शहादत को कबूल फरमाए, उन्हें जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके मासूम मासूम बच्चे जो शहीद हुए हैं उनकी माओ को सलाम हो और उनकी माओ को सलाम हो। अल्लाह ताला ने ऐसी माओ के जरिए से ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो मैदान कारजार में भी अल्लाह ताला की को ही पुकारा है, ऐसी मुसीबत की घड़ी में भी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पुकार रहा है। मुबारक हुआ ऐसी माँ, मुबारक हो, सलाम हुआ ऐसी माओ को जिन्होंने अपने नौनिहालों को शहादत के लिए पेश किया और उफ तक नहीं कहा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनको बेहतर अजर अजीम अता फरमाए, उन्हें दुनिया के अंदर भी इज्जत और सुरखुरुई अता फरमाए और मरने के बाद जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वहाँ भी उन्हें इज्जत और सुरखुरुई अता फरमाए और अल्लाह ताला फलस्तीनी मुसलमानों को कामयाब करे, उन्हें अपने अज़्म और हौसले के साथ साबित कदम रखे। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरीन हमारे दरमियान